शिवांशु आत्रे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए आज से हम शुरुआत करते हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के रिवीजन की। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है रियल नंबर। हम बात करेंगे रियल नंबर में क्या क्या हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर की। देखिए, अगर हम बात करें, कोई भी हमारे पास नंबर सिस्टम होता है दैट स्टार्ट्स विद नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, जहां पे नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 काउंटिंग नंबर्स। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर बन जाते हैं। होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। यानी कि नेचुरल नंबर में आप 0 को ऐड कर दीजिए। आगे हम बात करते हैं इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है। उससे थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं तो बात आती है रेशनल नंबर्स की। किसकी आती है, रेशनल नंबर्स की। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो p by q की फॉर्म में होते हैं। द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर pq बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रेशनल नंबर्स। और जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, वो इरेशनल होते हैं, तो उनको भी हम साइड में कहीं जगह दे देते हैं, इरेशनल। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, रेशनल और इरेशनल, तो ये हमारा रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर। यानी कि हम पहली चीज तो ये समझ गए, रियल नंबर इज नथिंग, इट्स रेशनल प्लस इरेशनल, है ना। अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो उनको हम रियल नंबर कहते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या और कैसे पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि अगर मैं बात करूं, बहुत बेसिक सी बात है, अगर मैंने आपसे कहा किसी भी दो नंबर को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो या तो वो डिवाइड हो जाएगा या आपको फ्रैक्शन में आंसर देगा। मान लीजिए मैंने आपको डिवाइड कहा 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आप सीधे से कह देंगे सर 5 आंसर आ गया, है ना। अब अगर मैं बात करता हूं कि मुझे 11 डिवाइडेड बाय 2 करना है, 11 डिवाइडेड बाय 2, तो आप इसको डिवाइड करेंगे और आप लिखेंगे सर आंसर आ रहा है 5 1 बाय 2। यानी कि अगर मैं बात करूं 11 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 into 2 plus 1। ये जो मेरा न्यूमरेटर है, यहां अगर हम इसको ब्रेक करेंगे 2 into 5 plus 1, वही लिखा है मैंने 5 into 2 plus 1, है ना। तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है, इसी कॉन्सेप्ट से हमारा पहला टॉपिक बनता है, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दैट इज अवर यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये क्या है, हम बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने यहां डिवाइड करा था 11 को 2 से, तो वही टॉपिक रहेगा ये, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। बेसिकली इसका स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है एक नंबर में, कई बार ध्यान रखिएगा, डिफाइन यूक्लिड डिवीजन लेमा, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें इसका स्टेटमेंट भी आना चाहिए। अगर हम दो नंबर्स का डिवीजन कर रहे हैं तो हमें क्वोशेंट और रिमाइंडर मिल रहा है, वही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए और बी, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, लिख लीजिए, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हम बात करते हैं r की, r रिमाइंडर आ गया। अब देखिए रिमाइंडर जो होता है, हमेशा अगर हम बात करें तो वो किससे छोटा आएगा, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो किससे छोटा आएगा, डिवाइजर से, है ना। तो रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा b से छोटी आएगी, पहली चीज ये क्लियर होगी। किससे बड़ी होगी, 0 के बराबर हो सकती है अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो, जैसे 10 डिवाइडेड बाय 2 मैंने आपको बताया था वहां रिमाइंडर 0 था, तो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेसर देन b, ये इसका कंडीशन लग गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह यूज करने को मिलेगा, तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेसर देन बी। अब इस पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसका इंप्लीमेंट करके, वो कैसे बनेगा देखिए, उसको मैं आपको बहुत बेसिक से तरीके से बता देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा, शो दैट
The square of any positive integer can be written in the form of 3m or 3m plus 1. इस तरह से अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो हमें घबराने की बात नहीं है, हम बहुत इजीली उस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन आपने देखा होगा, show that the square of any positive integer can be written in the form of 3m or 3m plus 1 where m is any integer, है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसका अप्रोच सीख लीजिए। पहली चीज, दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिए कि यहां पर मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दी है। यहां न्यूमेरिकल वैल्यू मिली है मुझे 3, क्या मिली है 3। देखिए बहुत बेसिक सा बता रहा हूं आपको, ताकि क्या अब आपको जानने की जरूरत नहीं है कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, आप अब डायरेक्ट अप्रोच सीखिए। a is equal to bq plus r, r is greater than 0 lesser than b, ये हमने समझ लिया। इस क्वेश्चन में हमें बताना है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि यहां न्यूमेरिक वैल्यू क्या आ रही है। न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है 3, क्या आ रही है 3। तो आप लिख लीजिए, लेट, शुरुआत हर क्वेश्चन की ऐसे ही करनी है, लेट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और कंडीशन लगा देंगे। यहां तक तो क्लियर हो गया, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b ऊपर लिखना पड़ेगा। अब यहां न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 3, तो हमें तो 3 या 3 का कोई ऐसा मल्टीपल ही चाहिए, स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो हम इसमें ज्यादा परेशान ना हो, हम इसमें डायरेक्ट लेट b इज इक्वल टू 3 ले लीजिए। मेरा बेसिकली टारगेट यही था आपको समझाने का कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो b ले लीजिए। एक ही क्वेश्चन ऐसा है क्यूब वाला जहां आपको अलग लेना पड़ेगा, वहां क्यूब वो भी बता दूंगा। ये आपने b इज इक्वल टू 3 लिया तो ये इक्वेशन क्या बनी आपकी, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, r की वैल्यू 0 के बराबर या बड़ी और 3 से छोटी, कुछ चेंज नहीं करा, केवल b का वैल्यू 3 था तो यहां 3 रख दिया। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि r का वैल्यू 0 के बराबर या बड़ा और 3 से छोटा तो कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है। तो देखिए यहां से मुझे समझ में आता है, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 0, 1, 2, यही तीन वैल्यू आ रही है, इसको सेटिस्फाई करते हुए 0, 1, 2, इससे ज्यादा तो नहीं आ रही ना, तो r इज इक्वल टू 0, 1, 2 ले लीजिए। अब देखिए केस वन, ये केस वन है, ये केस टू है, ये केस थ्री है। केस वन, r इज इक्वल टू 0, r 0 है भाई। अब r 0 होगा तो r 0 यहां रख दीजिए, तो क्या बना, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, तो a इज इक्वल टू 3q। अब बात की गई है क्वेश्चन में शो दैट द स्क्वायर, है ना, यहां बात की गई है स्क्वायर की, तो यानी कि वो a की बात नहीं कर रहा, a स्क्वायर की बात कर रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर बच गया 3q स्क्वायर, तो इसको लिख दिया मैंने 3m, यहां m का वैल्यू 3q स्क्वायर हो गया। तो यानी कि पहला वाला केस मेरा सेटिस्फाई कर गया कि मैं r अगर 0 होगा तो 3m की फॉर्म में स्क्वायर को लिख सकता हूं। आगे चलते हैं केस 2, r इज इक्वल टू 1, अब r इज इक्वल टू 1 ले लीजिए तो आपका बनेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a स्क्वायर करना है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, इट विल बी 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, क्लियर है। आगे 3 कॉमन ले लीजिए, ये बना आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्यू भी तो कॉमन आ रहा था, आपने क्यू क्यों नहीं लिया। देखिए हमारा टारगेट है, यहां टारगेट को ध्यान में रखिए, 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में लाना है ना, तो इसलिए हमने 3 को कॉमन लिया, तो ये लिख सकता हूं मैं 3m प्लस 1, यानी कि r 1 होगा तो मैं इसको 3m प्लस 1 के केस में लिख सकता हूं। अब क्या इस क्या बचा मेरे पास, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 लिख दीजिए केस 3, r इज इक्वल टू 2, क्लियर। तो a का वैल्यू हो गया 3q प्लस 2, a स्क्वायर हो गया 3q प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मिलेगा मुझे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब यहां मेरे पास कहीं 4 नहीं आ रहा, यहां आ रहा है 3m या 3m प्लस 1, तो मुझे या तो प्लस 0 की फॉर्म बनानी है या प्लस 1 की बनानी है,
तो 4 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। तो आप इसको लिख सकते हैं 9q² + 12q + 3+1, ये आप लिख सकते हैं इजीली। अब आगे से आप देख लीजिए 3 कॉमन आ गया तो ये बन गया 3q² + 4q + 1 और ये पीछे आपका 1 बैठा है। ये 1 कहां से आया? ये 3 का 1 आया जो हमने 3 कॉमन लिया है। सो इट कैन आल्सो बी रिटन एज 3m + 1। देखिए m की वैल्यू डिफरेंट हो रही है डिफरेंट डिफरेंट केस में। आप ये मत सोचिएगा कि m तो यहां 3q² था तो यहां 3q² + 2q कैसे हो गया। क्वेश्चन में लिखा है फॉर सम इंटीजर m, यानी कि m का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, केस पे वेरी कर रहा है। तो आप देख लीजिए अगर कोई सा भी नंबर होता है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी तरह को हमने कैसे इजीली लिख दिया है 3m, 3m + 1 और 3m + 1, तो यहां से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा सकता है। आगे लिख देंगे आप हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। जो क्वेश्चन में दिया होगा आपको वही लैंग्वेज उतारनी है। तो चलिए उतार लीजिए क्वेश्चन को। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है 3 मार्क्स का। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। अब हम बात करेंगे, देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है तो पहली चीज तो हमारे दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए। जैसे ही यूक्लिड डिवीजन का नाम आएगा तो हमारा दिमाग करेगा a = bq + r, r > 0 < b। ये तो कंडीशन रखनी ही रखनी है। अब आगे बात करते हैं b की। जैसा कि मैंने आपको कहा था जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो आप b को ले लीजिए, बस एक केस में नहीं लेते। अब आप यहां देखिए अगर बात कर रहा है वो क्यूब की, ठीक है, अगर यहां न्यूमेरिकल वैल्यू है 9, मैं 9 रख देता हूं तो r का वैल्यू > 0 और < 9, तो केस बनेंगे 9 केसेस, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मैं कब तक सॉल्व करूंगा, मुझे पेपर तो 3 घंटे ही देना है। तो मैं क्या करता हूं इसमें क्यूब की बात करता हूं तो मैं क्यों ना कोई ऐसा नंबर लूं जिसका क्यूब 9 से इजीली डिवाइड हो जाए। तो मैं यहां b को 3 ले लेता हूं क्योंकि 3 का क्यूब हम करेंगे तो 3 क्यूब का क्यूब जो होता है वो 27 होता है और 27 इजीली 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 कॉमन लिया जा सकता है। तो हम यहां बात करते हैं लेट b = 3, क्लियर है? तो ये केस बन जाएगा आपका a = 3q + r, 0, r, 3, सेम केस आ गया पहले वाले जैसा। तो दिस इंप्लाइज r = 0, 1, 2, क्लियर है? कुछ नहीं करना, ये केस 1 बन गया, ये केस 2 बन गया, ये केस 3 बन गया, केवल आपको प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिल जाएंगे। तो केस 1 कर लिया हमने, केस 1 r = 0, तो a = 3q + 0, यानी कि a = 3q। अब बात कर रहा है वो क्यूब की, बात कर रहा है क्यूब की, तो a का क्यूब कर दीजिए, तो a³ = 3 का क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब। हमें फॉर्म में लाना है 9m या 9m + 1 या 9m + 8, तो इजीली 9 कॉमन आ ही रहा है तो 9 को कॉमन ले लीजिए, 3 क्यूब, ये हो गया आपका 9m, बन गई फॉर्म 9m की। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2, r क्या है यहां पे, r = 1, तो a बन गया आपका 3q + 1, कुछ भी नहीं कर रहे, बहुत सिस्टमेटिक काम करना है, इजीली आंसर आता चला जाएगा। a³, ये हो गया आपका 3q + 1 का क्यूब। अब आपको ये क्या बन गया, a + b का होल क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका a³, यानी कि अगर हम बात करें तो 27q³ + 3a² b, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9q² और (3) करेंगे तो कितना हो गया आपका 27q² + 3ab²। अब यहां 1 का स्क्वायर करना है, 1 ही आएगा और बाकी को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3³ × 1, तो ये हो गया आपका 9q और लास्ट में क्या आता है आपका +b³, तो +1। आगे से आपका कुछ कॉमन आ रहा है, देखो +1 की फॉर्म बन गई, +1 आ गया तो घबराने की बात ही नहीं है।
9 कॉमन ले लीजिए, अगेन ये बन गया मेरे पास 3q³ + 3q² + q + 1। सेम वही केस, q कॉमन आ रहा है पर नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि टारगेट 9 का था। तो ये बन गया आपका 9m + 1। अब इसी तरह से आप केस थर्ड को डील कर लेंगे। केस थर्ड जो है हमारा r = 2 है तो a = 3q + 2 हो गया, अगेन इसका क्यूब कर देंगे तो आपका a क्यूब बन गया 3q + 2 का क्यूब। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका 27q³ + 3a² b, यानी कि 54q² + 3ab² यानी कि 36q + b³, 2 का क्यूब, 8 होता है, आगे से 9 कॉमन आ गया, 9 कॉमन ले लीजिए, मुझे मिल गया 3q³ + 6q² + 4q + 8, यानी कि फॉर्म बन गई 9m + 8, यही तो चाहिए थी मुझे। अब मैं क्या लिख सकता हूं, therefore the, अब देखिए जो क्वेश्चन में लिखा होगा ना show that के बाद वही लिखना है, hence the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m + 1 or 9m + 8। सॉल्व तो आपने कर दिया, प्रूफ आपने कर दिया, अब कुछ नहीं लिखना, लास्ट में लिख दीजिएगा शो डेट के बाद वाला, हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 or 9m + 8। तो इस तरह से आप यूक्लिड डिवीजन लेमा के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। उनकी अप्रोच यही है कि a = bq + r को माइंड में रखिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू को आप बी रख लीजिएगा, किसी किसी केस में अगर जैसे कि क्यूब वाला केस था तो उसका मल्टीपल ले लीजिएगा, 9 लेके भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो ये तो था मेरा एक पार्ट। अब इससे अगर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं तो ये जो मेरा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसी की मदद से अगर हम एचसीएफ को फाइंड करते हैं, एचसीएफ भी तो निकालते हैं ना हम दो नंबर्स का, अभी हम कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब अगर हम इसकी मेथड से, इस की मदद से हम एचसीएफ को फाइंड करेंगे तो वो हमारा मेथड होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई इसमें से भी, ठीक है। आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन की मदद से 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, तो वो जो प्रोसीजर होता है वो एल्गोरिथम कहलाता है। अब कैसे होगा, देखिए हम बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर ले लिया 45 और एक नंबर ले लिया 125 और मैंने कहा भाई इनका आप मुझे एचसीएफ फाइंड करके दे दीजिए, तो आप क्या करेंगे, 45 ऐसे ही तो बनाते हैं, 3 15 3 5 1, तो इसके स्प्लिट करा मैंने। अब 125 को कर लेंगे, 125 किया आपने 5 5 5 और 1, यानी कि दोनों में जो कॉमन आ रहा होगा, दोनों में कॉमन है 5, तो इसका एचसीएफ हो गया 5। ये तो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो आपके काम आता है। पर अगर हम बात करें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की, तो वहां ये केस हमारा काम नहीं करता। वहां हमें क्या करना है, एक सिंपल सा तरीका है जो अभी हमने सीखा है, a = bq + r, भाई यही तो सीखा है ना, डिवीजन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर वाला तरीका, तो यही करना है। आप इसमें चेक कर लीजिए बड़ा कौन सा है, 125 बड़ा है, तो आप क्या कीजिए, कहीं साइड में रफ में काम कर लीजिएगा ताकि गलती ना हो, 125 को आप 45 से डिवाइड कर दीजिए। अब 45 टू जा 90 बचेगा आपके पास 35, तो पहला तो हो गया आपका 125 = 45 × 2 + 35, क्लियर है। अब क्या होगा, जो हमारा पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, केवल ये चेंज करना है, जो पहला हमारा डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं यहां जो आया अब ये तो यही रह जाएगा और यहां एक 45 आ जाएगा, क्लियर है। आगे प्रोसीड कर रहे हैं जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, हमारा टारगेट है रिमाइंडर को जीरो लाना, 35 आ गया, आगे फर्दर तो डिवाइड नहीं हो सकता था तो मैं 45 को ही नीचे ले आया। अब 35 वन जा 35, कितना बचा 10, तो यहां से दूसरा स्टेप क्या मिला मुझे, 45 =
35 into 1 plus 10. देखिए जो यहां लिख रहा है वही मैं यहां लिख रहा हूं. 125 is equal to 45 into 2 plus 35. 45 is equal to 35 into 1 plus 10. कितना बचा? 10. 35 आ जाएगा, तो ये अब 35 को डिवाइड कर देंगे. क्लियर है? 10 3 जा 30, बच गया 5. तो यहां हो जाएगा 35 is equal to 10 into 3 plus 5. क्लियर? क्या बचा? 5. 10 को नीचे ले जाइए, 10 क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10 और ये रिमाइंडर 0 आ गया. यहां लिख दूंगा मैं 10 is equal to 5 into 2 plus 0. अब चेक करना है रिमाइंडर 0 किसकी वजह से आया है. रिमाइंडर 0 आया है 5 की वजह से. ठीक है, तो यानी कि यही हमारा SCF होगा, यही हमारा SCF होगा. ये जो नंबर बना जिसकी वजह से 0 आया, ये आपका SCF हो गया. ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. अगर नंबर 3 आ जाते हैं, मान लीजिए 3 नंबर्स दे दिया आपको, ए बी सी, और इनका आपको पूछ लिया गया कि भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से आप इनका एचसीएफ निकालिए, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है. कोई से भी दो नंबर आप ले सकते हैं जो आपकी इच्छा है. पहले जैसे हमने ए और बी ले लिया, तो आप ए और बी को सॉल्व कीजिए बिल्कुल इसी तरीके से. ए और बी को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एचसीएफ आएगा. ठीक है, उसके बाद जो भी एचसीएफ होगा उसको सी के साथ ले लीजिए. क्लियर है? पहले कोई से भी दो नंबर लिए, लेट इट बी ए एंड बी. जब ए एंड बी को हमने सॉल्व करा, कुछ ना कुछ एचसीएफ आया, जो भी एचसीएफ आया था उसको हमने सी के साथ ले लिया और उसको फर्दर सॉल्व कर दिया. अब जो एचसीएफ आएगा वो हमारा फाइनल एचसीएफ होगा, तीनों का एचसीएफ होगा. क्लियर है? ए बी का एचसीएफ निकाल लो, उस एचसीएफ को सी के साथ सॉल्व कर लो, जो भी नया एचसीएफ आए वही हमारा फाइनल एचसीएफ होगा. तो आई होप आपको ये दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे, लेमा भी और एल्गोरिथम भी, और इनके क्वेश्चंस की अप्रोच भी आपने सीख ली होगी. लेमा का जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का बनता है, और एल्गोरिथम भी 3 मार्क्स पे वर्क करता है, और कई बार छोटा एग्जाम्पल्स के साथ आता है तो 2 मार्क्स का बन जाता है. तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मैं इसका सेकेंड पार्ट भी लाऊंगा. काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियोज आप देखते रहें. आज हमारा पहला दिन था रिवीजन का, कल हम दूसरा दिन आपके सामने लेके आएंगे. पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ.